महाभारत धर्म और अधर्म के लड़ाई है, महाभारत सत्य और असत्य के लड़ाई है। महाभारत में जवन पांच भाई पांडव बाड़े, तनी और होमिंग लेता देखा बाबू कौन कोड बदला, पांच भाई पांडव धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, ये पांच भाई पांडव रहले, ये पांचों भाई सत्य के मार्ग पर रहले, धर्म के मार्ग पर रहले। आ दुर्योधन सौ भाई रहले, सौ भाई दुर्योधन दुशासन सल सत्यु चित्रा उपचित्रा नंद उपनंद करके इसे सौ भाई रहले, लेकिन इस सौ भाई अधर्म के राह पर रहले, असत्य के राह पर रहले। एक कथा से रहू रही है का ज्ञान मिली कि राउर संख्या कम बात का है, लेकिन धर्म के राह पर बानी तो लास्ट में विजय राउरे होई। करोड़ों संख्या के ऊके होई तका हो, वो असत्य के अधर्म के राह पर बा, तो एक ना एक दिन ओकरा पराजित होके के बा, कहे कि सत्य सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो सौ भाई दुर्योधन रले, पांच भाई पांडव, 17 दिन में महाभारत के लड़ाई भइल, 17 दिन समाप्त हो गई लड़ाई, 18वां दिन लड़ाई के मैदान में दुर्योधन पहुंचल बा, दुर्योधन अकेले काहे, जितना इनकर सेना रहले दुर्योधन के सब मारल गईले लड़ाई में, सभे मरा गईल वो लड़ाई में, मात्र एगो दुर्योधन बचले, आई एगो अश्वस्थामा बाच रहे द्रोणाचार्य के लईका। ध्यान दे हमरा बतिया पर, 18वां दिन के लड़ाई में शाम के समय हो रहल बा, जब दुर्योधन समझ गए कि पांचों पांडव हमरे के मार दिलो, तब लड़ाई के मैदान से भागल बा, भागल बा। ध्यान देव हमरे बतिया पर, विजय के फहराइल, अरे विजय के फहराइल, अधर्म पर झंडा धर्म के, अधर्म पर झंडा धर्म के, अरे विजय के फहराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के, वो विजय के फहराइल, अधर्म के झंडा धर्म के। विजय के फहराइल, अधर्म पर झंडा धर्म के, जेकरा पर रहे बल दलउ मराइल, जेकरा पर रहे बल दलउ मराइल, अरे पापी दुर्योधन प्राण लेके पराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के, अरे विजय के फहराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के, वो विजय के फहराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के। शाम के समय होत रहे, दुर्योधन लड़ाई के मैदान से भागल बा, भागल बा। आ पांचों भाई पांडव एकर पीछा कइले बाड़े, दुर्योधन भागत भागत गइल नु तो खून के नदी में समा गई, कैलस अधरम ओकर मति बौराइल, आहोय बुद्धि भइल मति खून के नदी में समाइल, अधर्म पे झंडा धर्म के, अरे विजय के फहराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के, हो विजय के फहराइल, अधर्म पे झंडा धर्म के। भागत भागत गई, शाम के समय होत रहे लौकलना, खून के नदी में गिर गई, गिर गई तो वही में डूबे लगल, डूबे लगल, जौने लाश पकड़े कि तैर के हम बाहर हो जाई तो उलसिए डूब जा, उलसिए डूब जा। जब दुर्योधन डूबे लागल तो सोचलस कि दोनों तरफ मौत बा, अगर
बाहर निकलत आनी तो पांचों भाई पांडव हमारा मार दी है, आ नदी में रहत आनी तो हम डूब के मर जाए। तो जानता नहीं का भाई फूले लागल सांस तो लाश एक भेटाइल, फूले लागल सांस तो लाश एक भेटाइल, आ वही के सहारा से बहरी बा आइल, अधरम पे झंडा धर्म के, अरे भी जाए के फाइल, अधरम पे झंडा धर्म के, हो भी जाए के फहराइल, अधरम पे झंडा धर्म के। जितना लाश पकड़े वो डूब जा, लेकिन एगो लाश तैरत आइल आ दुर्योधन के खींच के बहरी कर दलस, खींच के बहरी। अब दुर्योधन फेर में पड़ गई ले कि जितना लाश पकड़नी सब डूब गई, एक एकर लाश जे हमारे के खींच के नदी से बाहर कर दलस। तो सांझ के समय होत रहे, लुक झुक अन्हार होत रहे, लाश तो चिन्हाओ ना, लेकिन चिन्हाइल के ना चिन्हाइल, हे मुकुट के प्रकाश से लाश जब चिन्हाइल, हे मुकुट के प्रकाश से लाश जब चिन्हाइल, केकर लाश रहे, दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण के लाश रहे। जब लाश चिन्हलस न तो छाती में मुंह का मार के दुर्योधन गिर गई। मुकुट के प्रकाश से लाश जब चिन्हाइल तो दुर्योधन कहता, अरे धन बारे बेटा, अरे धन बारे बेटा, मुअल हो पर काम आइल, अधरम पे झंडा धर्म के, विजय के फहराइल, अधरम पे झंडा धर्म के, हो विजय के फहराइल, अधरम पे झंडा धर्म के। वही जब धरती में मरलस मुका, धरती में गड्ढा हो गई, अपना बेटा के लाश दफनावले के दुर्योधन, अभी नौमिंग लेता तनी कंट्रोलिंग चल जाए। तब दुर्योधन वही जैसे भागत भागत गई ले कहवा, अपना धर्म पत्नी के लगे, धर्म पत्नी के लगे, ध्यान देवे हमारा बतिया पर, भागत भागत अपना पत्नी के लगे गई है। आ कहले कि तू जल्दी हमरा के वस्त्र द, हम वस्त्र बदली, खून के नदी में गिर रही है, खून से वस्त्र सना गई बा, हमरा के वस्त्र द जे हम पहनी, आ एक लोटा पानी पियाव, ये जैसे भागी, काहे कि पांचों पांडव हमार पीछा करत चल देले बड़े। तब दुर्योधन के औरत के नाम का रहे, दुर्योधन के धर्म पत्नी के नाम का रहे, केहू बोले तो इनमें से आई हो दादा, बोले के मन नहीं करता। कितना लोग खैले हुई, कितना लोग हबड़ाइए में नस्ते को के चल दिले हुई, हमारे में तो ही बड़े व्यंजू वाले इनके तीन टाइम हो गए खैले, डॉक्टर माना को दिले कि चार दिन अन्न मत खाए, पेट में सूजन हो गई। विचार करी बबुआ, ध्यान देवे के बाद, दुर्योधन के धर्म पत्नी के नाम भानमती रहे, भानमती का नाम रहे, जोर से बोली लता काकी तो तरी चांद मोती आई होता तनी कॉमे से भानमती कहली दुर्योधन से की बताई स्वामी नाथ रौरे है कि रौरा एक बार गरज दी तो गर्भवती स्त्री के गर्भ गिर जाओ, रौआ चली तो पृथ्वी दल दलाओ। आज समय देखी कहाँ आ गई, जेकरा चलला से धरती दलदला, आज उ व्यक्ति केहू के डर से भागल फिरता, समय एक बराबर ना रहला। ई जानता नहीं काहे भइल बा, ई सब दासा भइल बा एगो नारी के अपमान के कारण, एगो हमहू राउ नारी है रहुआ के बार बार माना कहनी कि स्वामी नाथ सब करे, लेकिन कौन स्त्री के कभी अपमान मत करे। लेकिन रुआ हमार वचन मननी ना, द्रौपदी के चीर खिंचवनी भरा सभा में, अपमान कहनी वो द्रौपदी के पुकार, हम एगो नारी हैं बार बार समझाई तो रुआ हमारे के लात से मार के ढाई दी।
हमरो अपमान कईनी। ये दोनों नारी के अपमान रुआ के हे दासा पर ले आइल बा कि जेकरा डर से लोग थर थर कांपे उ व्यक्ति आज लोग के डर से थर थर कांपता। एगो नारी के अपमान के कारण भानमती रुआ तारी कह तारी कि अब तो पांचों पांडव चल देले बोलो तो रुआ के मार दिलो छोड़ी लो ना कि कहे रनिया रोई रोई अब हमार गतिया कौन होई से मन ना हमारी कहानवा सजानवा हो कहानवा सजानवा हो आरे मन लगना हमारी कहानवा सजानवा हो जेकारा पर रहे नाज करन दादा द्रोणाचार्य जेकारा पर जेकारा पर रहे नाज करन दादा द्रोणाचार्य सब लोग के हो गई मरानवा सजानवा हो अरे सब लोग के हो गई मरानवा सजानवा हो घर में अपने मने आग लाग जाला एगो अपने मने आग लाग जाला एगो रउआ खुद मानी जे अपने घर में लुकारी लेके खुद रउरा आग लगा दनी अपने घर में। अरे जानी के लगवला आग जरला सुहाग भाग जरला सोहाग भाग मारल गईल गोदी के लाला नवा सजनवा हो मारल गईल गोदी के लाला नवा सजनवा हो अपना बात जब कहली भानमती दुर्योधन घींच के एक लात मारलस कल के हाट हाँ मनी जे कपड़ा दा पानी पिए बता मार ई प्रवचन छाट देले बाड़ी। अब बताई जीवन भर जवन मेहरारू के इज्जत नहीं खे कईले तू लास्ट में इज्जत करी सही कह जाले कि लर लू खुत बाई आई तीनू मुहले पर जाई लर लुखुत बाई ई तीनू मुहले पर जाई। एगो गांव में मरद मेहरारू रहे लो तब मर्दा के आदत जान तनी का रहे केनियो से आवे तब मौगी के एक चाटी मार दे घर आवे मौगी से पूछे का बनल बा मौगी का जे भात बनल बा एक चाटी मारे का के रोटी काहे ना बनौली तब बिहान भइला मौगी रोटी बनावे तब मर्दा आवे पूछे का बनल बा मौगी कहे रोटी बनल बा तब एक चाटी मारे का जे भात काहे ना बनौली मौगी तो परेशान हो गल कल के उधियान लगो इंकरा रहन के रे भात बनावत है तो रोटी खातिर मारत है रोटी बनावत है तो भात खातिर मारत है। एक दिन मौगी गई ले कोई बुढ़िया काकी के लगे होमिंग लेता तो कली की एक काकी का जे ना दुर्गा जी कैसन कर लक्षण बना देले भात बनेल तो रोटी खातिर मारले रोटी बनेल तो भात खातिर मारेल
बुढ़िया क्लच करे पूर्वक हई जब भात बनावेली रोटी खातिर मारेला आ रोटी बनावेली भात खातिर मारेला। एक दिन एगो काम कर, एक दिन सब बना दे, एक दिन सब बना दे, भातो बना दे, रोटियो बना दे, पापड़ तिलौरी चोखा चटनी अजका बजका बोरी बारा सब बना के दे दे, देखा था नहीं किंग मारेला। ओ दिन मौगी बिहान भइला सब मनौलस, भातो बनौलस, रोटियो बनौलस, सब्जी चोखा चटनी अचार दही दही बर्रा सब बनौलस। मर्दा जाई कहता का बनल बा, मौगी कल जे भात अभी हाथ उठौलस मारे खातिर रोटी कहे ना बनल, तल मौगी कल खबरदार रोटी एक घंटा पहले ही के बना के धो दे बनी। मर्दा कहता चोखा, मौगी कल जे चोखा अबे बना के धोनी है। मर्दा कलस की आज तो नागा चल गई रे, आज तो मरबे ना कहीं। अब मौगी खाना लिया के दहलस, खूब प्रेम से मर्दा खा लहलस। मौगी जाके दुर्गा जी के गोड़ लगती है, जय हो काली माई, अगली सोमार के कराही चढ़ा देव, अदतिया छूट गइल रहनी आ इनकर बदल गइल ना मरले हन। आ मौगी का कहले जे खुशी के मारे ले जाके छत पर बिछावना कर दल, छत पर कर जे पर सूती काली माई रहर बुद्धि बदल दल, फेर दल रहर स्वभाव बदल गई। हम मर्दा छत पर सुतल बा, ऊपर ताकता आकाश में जो नहीं देखता, तले मौगी पानी लेके गई लैली, राती का पियास लगी तो पी ली। तले मर्दा ऊपर ताकता आकाश में आ जो नहीं देखल सुन, तो मर्दा मौगी से पूछे तो हो हैया आकाशवा में का चकमक चकमक कैले बा, कौन चीज चकमक आता। तो मौगी अगर आके कहती नहीं जान बक इस सब भगवान जी के गाय है सन आकाश में चर तारी सन, तले तक घींच के एक चटी मारते जब ते जान तारी जे भगवान जी के गाय आकाश में चर तारी सो, ते छत पर बिछावना काहे कैली हा, काजे ने कहीं दू चार गो गैया हमारे देहिए पर गिर जा सो। मौगी कल जाए दादा लर लुखुत बाई आई तीनु मुले पर जाई, अपन करुण तू पूरा कहिए लहल। तब जैसे भागल बा दुर्योधन अपना बाबूजी के लगे गई, बाबूजी से कलस की बाबूजी हमारे के बचा लो। ओकरा बाप के नाम धृष्टराज रहे, कहले कि तारा के बचाई, किकरा से तू बैर नहीं खले ले, तार पैर भी केकरा लगे लेके जाई, तारा के केहू ना बचा पाई। तब वही जा दुर्योधन के माई रहली जेकर नाम रहे गंधारी। दुर्योधन के माई के नाम का रहे आ आई हो तनी बोलल जा सबे नहीं कितना लोग चल दिले बुझा तो भोजन भइल नहीं के ना हो है लेकिन वही यही सब बोली नहीं के निकल। गंधारी नाम रहे गंधारी कली की बेटा, हम तारा के बचाए सही गो हमार बेटा भइले, लेकिन आज ले को बेटा के अपना आंखी से नहीं देखले, आंख पर पट्टी बांधले बानी लेकिन आज पट्टी खोले, आज पट्टी खोलब आ तहरा के देखब, लेकिन केंग आवई है तू हमारा सामने, हमारा सामने पूरा वस्त्र उतार के नंगे होके आई हो, हम पट्टी खोल के तारा शरीर की ओर ताक दे, तार शरीर वज्र के हो जाई, एगो अर्जुन का 100,000 अर्जुन भी तारा पर बाण मरी है तो तारा शरीर के कुछ करना पई है। माई के ममता हो गंधारी कहली अरे नंगे आव सोझा कहली महतरिया है नजरिया भर के देखी बबुआ, अरे देखी बबुआ हो, अरे देखी बबुआ हो नजरिया भर के देखी बबुआ, अरे तनंगे आव सोझा कहली महतरिया नजरिया भर के देखी बबुआ, सोझा कहली महतरिया नजरिया भर के देखी बबुआ, नंगे होके आवो हमार नजर जेने जेने पर जाइनु, अरे जेने जेने परी नजर देहिया होई बजर, जेने जेने परी नजर देहिया होई बजर, तहरा देह में होली ना अरे तीर तलवार खजर नजरिया भर के देखी बबुआ, अरे वजर अमर होई तहरो शरीरिया नजरिया भर के देखी बबुआ।
तोहर शरीरिया नजरिया भर के देखी बबुआ जा नहा के आवा हमारे सामने नंगे होके आवा। अब दुर्योधन खुशी के मारे गई ले स्नान करके दुर्योधन नंगे होके माई के लगे चल दिले बड़े तले कृष्ण जी राजनीति रणनीति कूटनीति सब जाने ला। कृष्ण जी उन्हें पांडव लोग के संगे भी बानी जैसे देखता नहीं कि दुर्योधन तो अपना माई के लगे चल दिले बा नंगे होके ओकर माई ताक दी है ओकर शरीर वज्र के हो जाई ऐसा ऐसा कितना भीम कितना अर्जुन नहीं है तब ओकर बोध ना होई। अरे ओकरा ऊपर हमार चक्र भी कामना करी कहे कि जहां माई के ममता लग जाला ओइजा हमार चक्र भी फेल हो जाला। तो एक रूप से कृष्ण जी पांडु लोग के संगे बानी आ एक रूप से दुर्योधन के आगे आगे नहीं दुर्योधन के सामने कन्हैया जी कहने की तब दुर्योधन बड़ा खुश बड़ा हो आहोई नंगे होके कहाँ जाता रह नंगे होके दुर्योधन मुंह छाइट के कहता कि माई के लगे जाता नहीं माई के लगे। कन्हैया जी कहले बुर्बक हुआ जिंदगी भर बुर्बकैया के काम करबो आई। अरे लइका नहीं खसे आन बाड़ो माई के लगे नंगे जाता रह जा लेकिन कम से कम डाणवा में कुछ और लपेट ल डाणवा में कुछ लपेट ले रे पागल। तो दुर्योधन कहता जे कन्हैया जीवन में पहली बार तू हमारा लायक बोलल बड़ जीवन में पहली बार हमारा लायक बोलल बड़ लेकिन कौन आदमी के रउरा नीमन समझावता नहीं आ ओकरा बाउर लगता आ केहू बाउर समझावता ओकरा नीमन लगता नु तो समझ जाए कि इंसान के विनाश एकदम निश्चित बा निश्चित बा। अब कन्हैया जी के कहला पर दुर्योधन जानता नहीं का कहले अरे हृदय पर राखी जदुराई दिहले दुर्योधन के मती घुमाई हृदय पर राखी जदुराई दिहले दुर्योधन के मती घुमाई आ लाज के मारे माई के सोझा अरे नंगे के ना जाई रे नजरिया भर के देखी बबुआ तकेरा के पता वाला पेटल कमरिया नजरिया भर के देखी बबुआ केरा के पत्ता वाला पेटल कमरिया नजरिया भर के देखी बबुआ विचार करी रख दी ओजे रख दी ओजे नीचे वाला रख हां चल के बैठी बैठी पैसा बाद में दे बढ़िया बाद में पैसा दे। अबे जाब का घर है हां जाए के समय यो हो गइल बा हां अभी 11 बजे वाला बा अरे 11 बजे जाब तबे न घर में पाए ते कहां जाए के बुझ लिया भगवानपुर चलिए माता जी के तरफ से बड़ी बड़ी धनराशि है भगवान से प्रार्थना सुख कम रखती। अब दुर्योधन केरा के पता लपीट के अपना माई के लगे गई ले माई कली की बेटा आ गई ल कले जी हाँ आंख के पट्टी खोली कले दुर्योधन की खोला जब माई कंधारी होमिंग लेता तनी ऐसे कब कब रही गई देख कंट्रोलिंग करी बात फरियाद नहीं किया माई कली की आंख के पट्टी खोली कले दुर्योधन खोला गंधारी पट्टी खोल ली नीचे से ऊपर तक ली आ ऊपर से ताकत जब नीचे कमर के सामने आई तो कली की बेटा अरे हई तारा के कमर में केरा के पत्ता लपेट के कहले रला के कहले रला सारा शरीर तहार वज्र के हो गई ताहर कमरिये कांचा रह गेल कमरिये कांचा रह गेल ई कमरे के टूटला से ताहर मृत्यु हुई ई के कहले रला दुर्योधन कहले जे कन्हैया गंधारी कहले कि जाए कन्हैया सारा लइकन के त हमरा मरवाइए दहल ई हो एगो ढेवरी के बाती बाचा रला एकरो जीवन बीमा काटिए दहल एकरो काम फाइनल करा दहल गंधारी कहतरी अरे नयन में भरी के बारी नारी कहली हा गंधारी हेलो बड़ा कटोन
अरे नयन में भर के पारी नारी कहली हा गंधारी आहो के रही हो निहारी केहू के तरला से न तारी रे नजरिया भर के देखी बबुआ अरे उहे भइल जवन चहले बनवरिया नजरिया भर के देखी बबुआ भइल जवन चहले बनवरिया नजरिया भर के देखी बबुआ भइल जवन चहले बनवरिया नजरिया भर के देखी बबुआ। बेटा एगो और उपाय बताओ तें तारे के बचे के मान सरोवर में चल जा आ जाकर लक्ष्मी जी के गोद में बैठ जा। आज भर अगर लक्ष्मी जी के गोद में रुक गई लनु तो बिहने के बाद तारे के केहू मार ना सकेला। जा तब दुर्योधन जैसे भागल नु तय करे हृदय में अब मेहरारू के माया घेर लेबा कि जीवन भर तो मेहरारू के मरबे कहीं नहीं डटबे कहीं नहीं। अब का जेने जीव की मुँह अब तनी एहू बेरा चले के बेरा तनी प्रेम से बतियाली मऊगी से प्रेम से ना बाबू। कितना आदमी होले नु 10 दिन रौदा यहाँ अहन नु तो 7 दिन खूब मने खुरमुन खुरमुन गलती गलती करत रही है लेकिन 2 दिन इतना ना अपन इंसानियत दर्शा दी है कि जब इंसान जाए लगी है तो ओकरा खातिर लोग रोए लगे ना बाबू। जैसे हमार भंडारी बार जितना दिन रह ले नीमक बढ़ाइए के खियाई है लेकिन जब जनिए कि घरे जाए पर तब 5 दिन पहले से इतना ना व्यवस्था कर कर के खिया ले चोखा है चटनी है जे जब ही जाए लगे ले तो हमने के बुझा ला जो घर से केहू हमने के माइए जाता से बोली वृंदावन भी लेकिन आई अब दुर्योधन गईले अपना मेहरारू के लगे त मेहरारू के लगे गईले नु त गंधारी हाथ जोड़ के दुर्योधन से कहली कि सुनी एगो विपत अपने मन चल के आवेला आ रउआ बानी जे खुद नेवता दे के विपत के अपना घरे बुला लहनी। कहली कि विपतिया पियावा तो तब जानी के बोला ली हला अरे विपतिया पियावा हो तो तब जानी के बोला ली हला रोवे रानी भान मती हमर कवर होई गति रोवे रानी भान मती ए रोवे रानी भान मती हमर कवर होई गति कहियाल सहब ससतिया पियावा हो तोता जानी के बोला ली हला विपतिया पियावा तोता जानी के बोला ली हला है बेरी बेरी चरण परी चरण के धूरी माथा धरी बेरी 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 चरण परी चरण के धूरी माथा धरी लगता कि अंतिम लगता कि अंतिम मुलकतिया पियावा हो तो जानी के बोला ली हला विपतिया पियावा हो तो जानी के बोला ली हला हाल ताहर भइल बदतर जल्दी बदल बसतर हाल ताहर भइल बदतर हाल ताहर भइल बदतर जल्दी बदल बसतर आव ना उतारली
आवा ना उतारली अरतिया पियावा हो तोता जानी के बुलाली हला विपतिया पियावा हो तोता जानी के बुलाली हला कहता रे लहरी गाई तरी ठीकरी हमारा दिल के भीतरी कहता रे लहरी गाई तरी कहता रे लहरी गाई तरी ठीकरी हमारा दिल के भीतरी आवना निहारली आवना निहारली सुरतिया पियावा हो तोता जानी के बोलाली हला विपतिया पियावा हो तोता जानी के बोलाली हला ए विपतिया पियावा हो तोता जानी के बोलाली हला अब दुर्योधन वैया से भागल जाके मान सरोवर में लक्ष्मी जी के गोद में बैठ गई। दुर्योधन चक्रवर्ती राजा रहले ध्यान दी हमरा बतिया पर आ दुर्योधन जल बंधन मंत्र जानत रहले। जल बंधन मंत्र कौन जी के कहल जला है नहर में पानी बहत अनु वो मंत्र के प्रयोग करके पानी मार दिया ही तरुआ खड़ा होकर देखे तो बुझाई जे जल एकदम अस्थिर बा लेकिन अंदर अंदर वो बहता आ ऊपर से अस्थिर हो जाई रुआ बुझाई जे पानी खत्म बा ये अस्थिर हो गई बा जल आ नीचे नीचे बहत रही ऊपर से अस्थिर हो जाई तो दुर्योधन जल के पान के आ जाके लक्ष्मी जी के गोद में बैठ गई ले। लेकिन चक्रवर्ती राजा रहे वो पानी में जहां जहां पैर धैले रहे ओइजा पीछे से कमल के फूल फुलात गई रहे कमल के फूल आ जहां जाके दुर्योधन बैठ गई रहे वही जा कमल के फूल समाप्त हो गई रहे अभी तक लुका गई आ एने पांचों भाई पांडव भीम कल की कन्हैया जी लगही कुटिया बा तनी चले के हाथ मुंह धो लेबे के कुछ जलपान हो जाओ एकरा बाद तो दिन भर खोज के ओकरा के मारही के नुबा चले के जब कुटिया पर पांचों भाई गई लोनु कुंती माई देखली तकली की खुश हो गई तुरंत आरती के थरिया सजा लली काहे की लोग कह के गई रहे मैया कसम खा के जाता नहीं सन दुर्योधन के मारिए के घरे आब सन आ जब लोग घरे आ गई लो तो बुझ गई कि शायद दुर्योधन के ही लोग मार दिले बा तो कुंती माई का कहली अरे कुंती महतारी रे फुरुती होइले के वैली थारी कहली आरती बारी कहली आरती बारी कि आव बबुआ अरे यारती उतारी अरे कहली यारती बारी एकदम इंटरसिटी एक्सप्रेस चलावा जौन गोरखपुर से खुलेला आ सीवान के जला इंटरसिटी एक्सप्रेस देखलन वही एकदम बुझाओ जो ट्रेन चलती है कुंती माहा तारी कुंती माहा अरे कुंती महतारी रे फुरती लेके वैली थारी कहली आरती बारे आव बबुआ यारती उतारी कहली आरती बारे कुंती माई आरती पार के केकरा लगे गई कन्हैया जी के लगे आ कन्हैया जी के आरती देखाओ तरी कहो तरी धन बाना मारी धन बाना अरे
हाँ बन मारी दिहाला अरे विपत से उबारी कहली आरती मारे धन बन वारी तहरा हिम्मत के बलिहारी कहली आरती बारे आव बबुआ आरती उतारी कहली आरती बारे कृष्ण जी के जब आरती उतार लली तब का कहली कुंती माई तनी बढ़ा दी मैंने वाला बढ़ा के तब कुंती माई कहली दूसरा यरतिया दूसरा यरतिया दूसरा अरे दूसरा औरतिया के उहे अधिकारी कहली आरती बारे जे मरल होई दुर्योधन ते आचारी कहली आरती बारे जे मरल होई दुर्योधन ते आचारी कहली आरती बारे पाचू जन मोड़ी नीचे कैले वालो कहल जो माई आरती मत उतार आरती मत उतार ये का है कहल जे मुजरिम मराइल नहीं खे मुजरिम अभी भागल बा मुजरिम भागल बा इस शब्द सुन ली तो माई कुंती आरती के थरिया फेंक दली कली की घरे हलो कब वो अत्याचारी के मार के हलो तब अब जौने गोड़े गई रहे लो वही गोड़े लौटल बलो हाथों मुंह ना धोवाई लौटल बालो लागल दुर्योधन के खोजे खोजत खोजत एगो जंगल में गई लो तो ओ जंगल में एगो बहेलिया भेटेले बहेलिया भीम कहले कि कन्हैया जी हई बहेलिया सबे रही से में जाल लगौले बड़े आ उ सबे रही के ने उन्हें भागल हुई ई जरूर देखले हुई हैं अगर ये पड़े भागल हुई नु तो जरूर देख ले हुई है जी हाँ ये पड़े केहू गई ला तेलो जाके बहेलिया से पूछता लो ए भाई ए बहेलिया हे पड़े केहू के जात देखला हा हे पड़े मोटे के लामे के मुकुट रला मोटहने गादा ले रहे हैं देखला हा आय देखले बड़ो केने गईले हां आय पनिया में अच्छा पहली कल हां सुनी 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 बताओ तनी बताओ तनी बताओ तनी देखनी हां कि साचे कहत रे पानी हम ऐसन कारा मात देखनी अरे आदमी एगो जात देखनी ना देखनी है देखनी है देखनी है यही पड़े यही पड़े यही पड़े अबे तो कहले हां हो साचे कहत रे पानी हम जमाना जमाना कर्मा तो देखनी आदमी एगो जात देखनी ना ए महाराजू आदमी रले हैं उनका रूप जानतानी कैसन रहला सब मरद में नगीना कमर पातर चावला सीना सब मरद में नगीना सब मरद में नगीना कमर अरे
सीना आरे सुनीना ओ करा देहिया से अरे पसीना तड़ तड़ात देखनी ओयो काना देहिया से पसीना तड़ तड़ात देखनी आदमी ये गो जात देखनी ना भीम की और अंगुरिया देखा के बहेलिया बतौल हाँ मोटकू इनके लेखा वो कर शरीर रहला मोटे कर रहले हाँ इनके लेखा शरीर रहला जो नदिमिया कहिला रहल हा इनके जैसन शरीर हाथ में गदा लिहले वीर रहल आरे रहल इनके जात शरीर रे हाथ में गदा लिहल बीरा रे बीरा तो करा अरे माथावा पर हम मुकुट चमचमात देखनी आदमी एगो जात देखनी ए महाराज हाँ तो आदमी रहले हाँ गर्दन पर मास रहुए छल छलात चलत रहुए तो धरती दल दलास गर्दन पर गर्दन मास रहुए छल छलात चलती में अरे धरती रहुए दल दलास वही पनिया में ढुकल बहु पनिया में अपनिया में जहां जहां गोड़वा रखत रहुए तो गोड़वा रखत रहुए तो फूलवा हम फूलात देखनी आदमी एगो जात देखनी ना तो कहले अरे ठाकुर गाई तरी गाई हलचल बाबा माधोपुर में आई कहे कहे ले ठाकुर गाई तरी गाई हलचल बाबा माधोपुर में आई यही में यही में कितना लोग के यही बेरा ओंघा तो देखनी यही में कितना लोग के यही बेरा ओंघा तो देखनी आदमी एगो जात देखनी ना तो कुछ लो पीछे बैठल मूंगफली हम खात देखनी आदमी एगो जात देखनी ना प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की अब वो पानी के कगरी गई लो आ जाके सहदेव ललकार तरे अर्जुन ललकार तरे नकुल ललकार तरे दुर्योधन नहीं खे निकलत पानी में से कन्हैया जी कहे कि पांच भाई में चारों भाई तू ललकारत ललकारत मर जाई बहुत दुर्योधन ना निकली एक एक आदमी के बोली वो बर्दाश्त ना कर सकेला जेकर नाम है भीम भीम जहां ललकर ले
जो पतालो में हुई तबे निकल के चली आई। काहे कि भीम के उ स्पेशल दुश्मन हो, अब भीम के स्पेशल दुश्मन मानेला। गौवा में कह आदमी के आदमी खाटी दुश्मन ना होले, झगड़ा अगर रहुआ दूसरा में हो तो के अगर वो आदमी चल जास तो जान तनी का कहलो। हाँ दे सब है बोला था ठीक बा, तू बोला लो जे अबे मामला बिगड़ जाए, माने उनकरा से खाटी एंटी चलेला। अब भीम भीम लाल करत रे भीम, नाय दुर्योधन निकल पानी में से कि आवन बहरी, टोन बना दे आवन बहरी अबन कर बहो कचहरी, आवन आवन बहरी अबन कर बहो कचहरी, आवन सबके मरवा के बैठल बाड़ लुका के, सबके मरवा के सबके मरवा के बैठल बाड़ लुका के, केना लुकाइल बाड़ जैसे लुकाली कवनो, जैसे लुकाली कवनो, अरे मेहरी कवन हरी आवन बहरी अब न करबो कचहरी, आवन बहरी हो अपना करब कचहरी। गाड़ी देख गरजस तो धर्मराज परजस, गाड़ी देख गरजस तो धर्मराज परजस, हे बबुआ इतना मार मारब की, इतना मार मारब की घोटाई न तोहरी आवन बहरी अब न करबो कचहरी, आवन बहरी आवन बहरी अब न करबो कचहरी। सुन के बोली चलल बाटे तूफान में, सुन के बोली कितना जही मत पापलवान में, कितना जही मत ए सच बात कहले हम, सच बात कहले गा इतरी जे लहरी आवन बहरी अब न करबो कचहरी, आवन आए आवन बहरी हो आवन करबो कचहरी। ए दुर्योधन हिलोड़ा मार के पानी में से निकले के चाहल, लक्ष्मी जी गोड़ पकड़ लाली, कली बेटा बेटा आज भर रुक जा, आज भर रुक जा। लेकिन जेकरा सर्प महुवत मारा रहा नु ओकरा के काल खींच के लेके चल जाला। दुर्योधन लक्ष्मी जी के ढाह दलस कर के, हटा हमार दुश्मन लल करता, हम है पानी में बैठा रही। दुर्योधन निकल के गई, जब निकल के गई नु तो देखी धर्मराज जेकर नाम है, तो जे धर्मराज है वो धर्म के बात बतियाई। धर्मराज कले कि सुनल जाओ, हमनी के बानी सब पांच भाई, दुर्योधन बड़े अकेले, तो एक आदमी से पांच आदमी लड़ी है तो ये अन्याय के लड़ाई हो जाए कि ना हो जाए, वही कि ना हो जाए। हमारा बतिया पर ध्यान दी हम का कहते नहीं। धर्मराज कले कि दुर्योधन बड़े अकेले, हमनी के बानी सब पांच भाई, तो एक जाना से पांच जाना लड़ी है तो अन्याय के लड़ाई हो जाए। तो धर्मराज कले कि दुर्योधन एगो काम करो, हमनी पांच भाई में से दो भाई के तू ले लो, पांच भाई में से दो भाई के तू ले लो, जो तू तीन जना हो जा, हम अनियो के तीन जना हो जाए, सौ लड़ाई बराबर के हो जाए। कन्हैया जी मुड़ी खजुआवे लगनी, कहनी कि बन गई काम, अरे तो रहले रहले वैसन ना लीप देले जे सारा कम में बिगाड़ दिए। कह तारे जे तू भाई के ले लो, का जने कहीं अर्जुन या भीमे के दू जना के अपना में ले ले, तब तो है नकुल सहदेव से या धर्मराज से लड़ाई भइल नु एक बेर गादा हम की जे पते ना चली लुखावना लुक में गई। कन्हैया जी कहनी कि सुना ये लड़ाई एक पांच के नहीं खे, ये लड़ाई एक के बा,
दुर्योधन के आ भीम के बाद। दुर्योधन कहल जे काहे भीम से लड़े भाम, काहे भीम से लड़े, लड़ाई के मैदान के सेनापति हम रनिया, पांडु दल के सेनापति अर्जुन रले हां। तो सेनापति से सेनापति लड़ेला, सेनापति सबके उसे थोड़े लड़ी, गार्जियन गार्जियन से लड़ेला, लड़का लड़का से लड़ेला। ए बरा तो उल्टा हो गई, लड़कवे गार्जियन से लड़ता रे, सब फरिया होता रे सब। हमनी के जमाना में हमनी के छोटा छोटा रानी जा, हमनी के नवार सप मानी जा। हमार बाबूजी तीन भाई जो पटवारा होके लगल तापस में खूब ले हम दे हम लोग करे लेके हमनी के चुपचाप बैठल में से केहू के केहू ना बोले। आई बारे का लड़का बाबूजी अभी फर्क ही बड़े तले तो उहे फीता लेके भिर जाते हैं जैसा हमार भाई। हे भगवान, अरे जब घर का गार्जियन है नहीं है तो तुमको बोलने की क्या आवश्यकता है। हाँ वैसा मुसीबत आएगा तब बोलना, अगर बीच में तुम ही बोल दोगे तो फिर तुम्हारे गार्जियन का प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। घरे रउरा बानी अगर केहू कुदारियों मांगे आई रुआ देखा तो नहीं जो कुदारी धैल बा मांगे आई बड़े गार्जियन के प्रतिष्ठा रखे बा तो कह दी कि ठीक बा घर ही तबा जाकर बाबूजी से मांग लो। बाबूजी से मांग लो उतना ही सम्मान सम्मान हो गया। अब घर के हर व्यक्ति हर सामान लोग उठा के देवे लगे तो घर का मर्यादा ना रह जाला। केहू भी कुछ मांगे पतोहे बाड़ी केहू कल के सखी तनी दू टूसा हरदी ना द तो पतोह के चाहे कह दी कि आमा जी बैठल बनी वो सारा में जाकर वहाँ से कहें तो उनके शाह जी के इज्जत रह जाए। अब शाह जी जी इतने बड़े तले पतो ये सारा चाबी लेके झूला होते हन अलमारी की चाबी हम रख ले भाई। जमाना आगे हो गई बा। एक घड़ी के पतोहिया का कहते रही से अपना सास जी से बुढ़ियों लोग खूब दहेज लेके बियाह करता 8 लाख ले तब पेटक के बियाह हो। आ 8 लाख वाली जो बहू तरी सन तो बहू नहीं खी सन वो बहू रानी आओ तरी से बहू रानी बहू ना कम दहेज लेके बियाह करे तो घर में बहू आई नॉर्मल होकर रही कि हमारे बाबू जी कुछ नहीं खन दिले। आ जो 8 लाख दे के आई न ओकरा से साजी कहन के बहू तनी दुगो रोटी ना बना दा तो कह जे मदर जी डिस्टर्ब मत कीजिए नहीं तो हमारा सीरियल बहक जाएगा। हाँ बुढ़ियों रोटी बनाई है ना पतोहिया बैठ के सीरियल लेके उहे पतोहिया साजी से कहली सन काहे ससू जी हो के बोलता रु तेज काहे ससू जी हो के बोलता रु तेज हो के बोलता रु तेज कौनो मंगनी नहीं खी पापा हमार दिहल दहेज कौनो मंगनी नहीं खी पापा हमार ऐ दिहल दहेज कौनो मंगनी नहीं खी पापा हमार 8 लाख ली हलो पहिले गिनाई वही में से लगा दो घरवा में ये गोदाई वही में से लगा दो घरवा में ये गोदाई फ्रिज तू कूलर और ले हलु गोदरे फ्रिज और कूलर तू ली हलु गोदरेज अरे ली हलु गोदरेज कौनो मंगनी नहीं खी पापा हमार दिहल दहेज कौनो मंगनी नहीं खी पापा हमार ध्यान दे प्रेम से बोली रे रामचंद्र भगवान की। अबे कहले कन्हैया जी कि तू नहीं खजाना तो राजनीति में 1 मिनट में केहू इस्तीफा दे देला आ 1 मिनट में केहू शपथ ग्रहण कर लेला। 1 मिनट में केहू इस्तीफा दे दिया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे तनी तले 1 मिनट बाद केहू शपथ ग्रहण कर लेला। विचार करी तो अर्जुन इस्तीफा दे देले बड़े आ भीम शपथ ग्रहण कर लेले बड़े। अब सेनापति भीम बड़े तो दुर्योधन कलश की ठीक बा हम माने कब कि भीम सेनापति बड़े कि भीम के धर्मराज प्रणाम करी है तो भीम के धर्मराज प्रणाम करी है तब हम माने कि भीम सेनापति बड़े काहे कि सेनापति के सभे प्रणाम करेला। अब कन्हैया जी फेर में पड़ गई नी कि तो भीम के मुआवे के उपाय सोच दहल जहां धर्मराज भीम के प्रणाम कैले जे भीम अबे जोर के राखी हो जाइए बिना लड़ाइए के जोर के राखी तो कन्हैया जी सब नीति जाने वाला
कन्हैया जी भीम के हाथवा में एगो पुस्तक धरा देनी। पुस्तक पुस्तक ऐसा चीज है जेकरा के ब्रह्मा विष्णु महेश सभे प्रणाम करे। हाथवा में धरा देनी भीम के, कनी कही ले लो जब धर्मराज प्रणाम करे अहन आ जैसे मुड़ी झुकाए पे तल किताबो आगे कर दिए पुस्तकवा आगे कर दिए तो पुस्तक के प्रणाम हो जाए तले हमनी के ताली बजा दे। जैसे जाके धर्मराज हेगा कैले तले भीम किताब आगे कैले सारा लोग कहल कि धर्मराज प्रणाम कर दल धर्मराज प्रणाम कर दल। अब लड़ाई होखे लागल हुमज के कादा मारत अरे भीम त भीम के हाथ झनक जाता काहे के ओकर पीठ पैर सब वज्र के हो गई रहे। आ एक बेर दुर्योधन गादा मारे तो दू मिनट खातिर भीम मूर्छा खा जा। कहले कि भाई एक हरदम मरले मानी गादा मारिल तो गद गद करेला, आज गादा मारते तो टन टन करता, एक देहिया बुझाता पत्थर के हो गई बा का दोनों। भीम का जानत रहे जे माई के जन्म घूटी खैले बा माई अल माई के आशीर्वाद एक ऊपर बा। भीम मारत रे गादा कहत रे अरे दादा रे दादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा दादा 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 ए दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा दा को के बड़ी यारी खींचब वाले ते साड़ी को के बड़ी यारी के बरियारी खींचब वाले ते साड़ी ते ही है सब हवा में लूट लिए गो सब हवा में लूट लिए गो अरे नारी के मर्यादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा दादा रे दादा ए दादा रे दादा हो भोर परल नहीं एने वने भीम गादा मारत रहे ओकरा चोटे नहीं खेला। कन्हैया जी कहले जे जीवन भर लड़ते रह जाइए तबो दुर्योधन के कुछ ना होई। तो कन्हैया जी भाषा मारत नहीं भाषा भीम डांपो डांपो माने कन्हैया जी के कहे के इशारा रहे जे डांपो मारो डांपो। आ भीम के बुझा जे कन्हैया कहत रहे जे डांपो डांपो तो खूब भीम चिघरत रहे खूब खूब चिघरत रहे। कन्हैया जी कने चिगरत चिगरत करे जा फार लेब तबो कुछ नहीं भीम डांप माने डाल पर मारे के बाद तब भीम समझ गईले कि हुमची के ताल पर अरे मरले जब डाल पर अरे ये तने में भीम मरले हे डोलावे पर का दादा दा रे दादा भोर परल नहीं खेवा दादा दा रे दादा अरे दादा भोर परल नहीं खेवा दा ए डार टूट गई लोही जब दुर्योधन गिर गई। कन्हैया जी कहले कि छोड़ दो 99% एकर मौत हो गई मार के करे के पीस देबो चटनी तब ई ना मुई ई मुई कब एगो साधु के प्रदान बा ई मुई कब एकरा हृदय में सुख आ दुख सुख वाली बात आ दुख वाली बात दोनों एक संग जब एक हृदय में समाई तब भक्त एकर प्राण निकल जाई माने सुख आ दुख दोनों के बात एक संग है अगर दिल में समाई एकर भक्त प्राण निकल जाई। तो सुख दुख केंगा होला जी केहू आके कह दिल कि काका तारा नाम से 5 लाख के लॉटरी पड़ल बा काका कहे हा 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 केहू कह दिल जे ल ना उ 5 लाख दुकान लेके भाग गई अब एक बेर भौक दे काका के पारा ओही गनिया कले कि तू चलो तो चल गई लो। अब उन्हें पांचों पांडव चल गई ले स्नान करे द्रौपदी माई के 5 गो लड़का रहे जे द्रौपदी माई के प्रतिबिंद प्रतिशर्मा प्रतिकर्मा करके नाम रहे कुटिया में सुता के चादर ओढ़ा दहली कुटिया के गेट पर शंकर जी के पहरा लगा दहली। अब माई द्रौपदी या कुंती चल गई लो स्नान करे पांचों नदान लड़का कुटिया में सुतल बड़े जा। अब तले दुर्योधन के एगो मित्र रहे जमना के नाम अश्वस्थामा रहे गुरु द्रोणाचार्य के लड़का रहे उ दुर्योधन के मित्र रहे मित्र फ्रेंड 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 बुझता नहीं पहले हूँ फ्रेंड मित्र हो खेलो पहले के जमाना में लड़का के मित्र लड़का हो खस
लड़की के मित्र लड़की होकस हमनियों को पढ़ले बनी जब कॉलेज में लड़का के मित्र लड़का लड़की के मित्र लड़की ए बरा उल्टा हो गई बा जवान लड़कवा कहता ये मेरे गर्ल फ्रेंड है तो लड़की कहती ये मेरे बॉय फ्रेंड है ना जाने दुनिया कहाँ जाता है। पहले देखी पहले कितना एकता रहे कितना एकता रहे पहले एगो फोटो घींचे के होकर न तो चार आदमी के जरूरी पड़े दो आदमी है ना दिवाली पर चादर तानस एक आदमी कैमरा लेके खड़ा होकर एक आदमी बगल से डायरेक्शन बतावत हाँ हाँ थोड़ा मुस्कुराइए 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 हो गई इतना निक फोटो आई आए बेरा ए बार फोटो खींचे में केहू के जरूरी पड़ता आपन फोटो लोग अपने से खींचता प्लीज बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ हे भगवान दुनिया कहाँ जाई हमारा बुझात नहीं भाई मोबाइल आइल तो जानते नहीं कितना चीज खत्म हो गई मोबाइल आइल रेडियो सुनल खत्म मोबाइल आइल टीवी देखल खत्म मोबाइल आइल अखबार पढ़ल खत्म मोबाइल आइल घड़ी खत्म मोबाइल मेहरारू के हाथ में गई तो रोगू खत्म कान में ईयरफोन लगौले बड़ी रउआ कह प्लीज वाटर चाहिए तो लिया के काट के टमाटर दे दिए खाई रउआ सलाद खाई विचार करी उ दुर्योधन आई आ दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आई कलश के मित्र मैं तेरा कसम खा के कह रहा हूं मैं अभी इसी वक्त पांचों पांडवों का गर्दन काट करके तेरे सामने लाऊंगा। दुर्योधन कलश के अरे मित्र हो तो तेरे जैसा हो अश्वत्थामा चल ले लेवा पांचों जने का मुड़ी काटे जब कुटिया में ढूके के चाहे न तो द्रौपदी माई तो शंकर जी के पहरा लगौले रही जब ढूके के चाहे तो शंकर जी के त्रिशूल गिन 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 नाचे लगे जब कुटिया में ढूके के चाहे तो त्रिशूलवा नाचे लगे तो अश्वत्थामा भी शंकर जी के भक्त रहे उस शंकर जी के मनावे के हाल जानत रहे देखी किंग मना दौलत अरे पीटी के थपरिया अरे जब पढ़ल मन तरिया हरे तो दुआरा पखाड़ा बापूजरिया दुआरिया छोड़ा हे बाबा अरे दुआरा पखाड़ा बापूजरिया दुआरिया छोड़ा हे बाबा अरे पीटी के थपरिया अरे जब पढ़ल मन तरिया हरे तो दुआरा पखाड़ा बापूजरिया दुआरिया छोड़ हे बाबा अरे दुआरा पखाड़ा बापूजरिया दुआरिया छोड़ हे बाबा भीतर गई तो का कह लो अरे ढूकी के भीतरिया निकलवरिया द्रौपदी अपना पांचों नदान लैकन के सुता के गई एकरा बुझाइल कि पांचों पांडव सुतल बालू उ पांचों नदान लैकन के मुड़िया काट के मोटरी बांध लल अरे ढूकी के भीतरिया निकललस तलवरिया अरे त मुड़ी काटी बनलस मोटरिया दुवरिया छोड़ हे बाबा अरे मुड़ी काटी बनलस मोटरिया दुवरिया छोड़ हे बाबा अब पांचों नदान लड़कन के मुड़ी बांध के लेके आई दुर्योधन देखलस तो कलश की मेरा मित्र इसमें भीम का मुड़ी किधर है लाओ भीम का मुड़ी किधर है जब मोटरी खोललस अश्वत्थामा नु अब दुर्योधन जब पांचों नदान लड़कन के मुड़ी देखलस दुर्योधन कलश की हाय अरे दुष्ट पापी तूने ये क्या किया अरे मुझे दुश्मनी पांचों पांडवों से था मुझे दुश्मनी इस पांच नादान लड़कों से नहीं था तूने पांडव दल के कौरों को ही बुझा दिया हाय कह के वही जब दुर्योधन के प्राण निकल गए अब इन्हें द्रौपदी माई आके रोवतरी
अर्जुन सोचले कि काम अश्वस्थामा के है, अश्वस्थामा के पकड़ के लिए ले, पकड़ के लिए ले। अर्जुन कहले कि द्रौपदी तारा लैकन के कटले बा, एकरा के सजाई तू द। द्रौपदी क्षमा कर दली, कहली कि जाय दी, गुरु के लड़का हूँ मैं, ब्राह्मण के लड़का हूँ मैं, अपना हाथे हत्या कर ली तो ब्रह्म हत्या लागी, इसे इंद्रा के छोड़ दिया जाए। तो अर्जुन वो अश्वस्थामा के अपमान करके छोड़ दिले, मूढ़ी छील के ओकरा मस्तक में मड़ी रहे निकाल रहे, निकाल के छोड़ दिले। जब अपमानित करके छोड़ लेनू लोग कहे कि क्या करब, ढेर ढेर करब तो मुँह आइए न देव, एक से बेसी सजा का देव। लेकिन मौत से भी बढ़कर सजा होता है, किसी को सभा में अपमान कर दो वो मृत्यु से भी बढ़कर के सजा होता है। अब अश्वस्थामा का कहले जब ब्रह्म शस्त्र उठावलस, आ ब्रह्म शस्त्र उठा के आ अर्जुन के बेटा अभिमन्यु रहले, अभिमन्यु के पत्नी के नाम उत्तरा रहे, उत्तरा के गर्भ रहे 4 महीना के, वो गर्भ के ऊपर शस्त्र चला दहलस कि ये खानदान के गर्भ तक भी खत्म कर दे, जे खानदान में केहू दिया बारे के ना रह जाओ। जब उत्तरा के पेट में कुसमय दर्द होखे लागल तब उत्तरा कन्हैया के याद कर तारी कि कृष्ण कन्हैया रुखमिणी मैया, अरे तरसा थावा में हमारा पेटावा के बेटावा तहरा हाथावा में, अरे हमारा पेटावा के बेटावा तहरा हाथावा में, हो कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी मैया हो तहरा साथवा में, हमर पेटावा के बेटवा तहरा हाथवा में, अरे हमरा पेटावा के बेटवा तहरा हाथवा में, तब कन्हैया जी अपन चक्र भेजनी, उ चक्र जाके गर्भ में ब्रह्म शस्त्र के शांत कैलस, वो गर्भ के रक्षित कैलस, रक्षित माने रक्षा कैलस आ सुरक्षित कैलस। यही से वो गर्भ से जब लड़का भइलू तो वही लड़का के नाम परल परीक्षित, यानी कि चक्र सुदर्शन द्वारा रक्षित किया गया है, इसीलिए उस लड़का का नाम परा राजा परीक्षित। आ वह राजा परीक्षित 7 दिन में सुखदेव जी से भागवत महापुराण के कथा सुन ले रहले। अब महाराज परीक्षित के जन्म भइल बा, हतना लोग बैठल बा, तनी हाथ उठाई तो कितना लोग बैठल बा, भगवान जरा हाथवा दे कुछ उठावल जाओ, हाँ अबे पटदारी में झगड़ा जम जा तो मार आना धून हाथ मजा लगी है, जब भगवान के नाम पर उठावल में हाथ दुखाता, हाथ उठाई तुम्हें, हाथ उठाई ताली बजाई। अब जितना लोग हाथ उठा के ताली